माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारतीदासन विश्वविद्यालय तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत अनुकरणीय और सराहनीय सामाजिक सेवा के लिए वर्ष 2017-18 के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम समन्वय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर ए लक्ष्मी प्रभा को। पुरस्कार ग्रहण करेंगे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी मणिशंकर और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर ए लक्ष्मी प्रभा। द्वितीय पुरस्कार विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। एनएसएस की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन और समन्वय में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है डॉक्टर के रमेश रेड्डी को। पुरस्कार ग्रहण करेंगे कुलपति प्रोफेसर आर सुदर्शन राव और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर के रमेश रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारी श्री आदि रेड्डी परदेसी नायडू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश। श्री आदि रेड्डी परदेसी नायडू के नेतृत्व में एनएसएस इकाई ने कई प्रकार की उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की है। उनकी अनुकरणीय और सराहनीय सामाजिक सेवा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर के एस एस वेंकटेश्वर राव और कार्यक्रम अधिकारी श्री आदि रेड्डी परदेसी नायडू। डॉक्टर किशोर वी भेसानिया, सीसी होम साइंस कॉलेज गुजरात। डॉक्टर किशोर वी भेसानिया ने नेत्र शिविर स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाई। उन्हें वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर एस जी पुरोहित और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर किशोर वी भेसानिया। डॉक्टर कपिल कुमार आनंद, एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर राजस्थान। डॉक्टर कपिल कुमार आनंद की एनएसएस इकाई ने अनेक कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता फैलाई है। इनकी अनुकरणीय सामाजिक सेवा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कपिल कुमार आनंद। डॉक्टर बी एस भजंतरी, कर्नाटक आर्ट कॉलेज कर्नाटक। डॉक्टर बी एस भजंतरी के मार्गदर्शन में एनएसएस इकाई ने अनेक लाभकारी शिविरों और कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। उनकी प्रशंसनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए
उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर पी एफ चकलब्बी और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पी एस भजंतरी। एस शिवरामन, एएस पॉलिटेक्निक कॉलेज तमिलनाडु। श्री एस शिवरामन ने युवाओं, ग्रामीणों तथा जरूरतमंदों के लिए लाभकारी आयोजन की। उनकी अनुकरणीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रिंसिपल श्री ए मुरुगेशन और कार्यक्रम अधिकारी श्री एस शिवरामन। डॉक्टर सतीश चंद कोल्टे, किशनचंद चेलाराम कॉलेज महाराष्ट्र। डॉक्टर सतीश एस कोल्टे ने कॉलेज के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं। उनके निस्वार्थ सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी प्रिंसिपल डॉक्टर हेमलता बागला तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सतीश एस कोल्टे। श्रीमती एम शीतल रेड्डी, श्रेयस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तेलंगाना। श्रीमती एम शीतल रेड्डी ने स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिक्षा तथा स्वच्छ भारत अभियान के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनकी सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रिंसिपल प्रोफेसर सुरेश अकेला और कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती एम शीतल रेड्डी। डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज सीमा, हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा के मार्गदर्शन में एनएसएस इकाई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पौधारोपण, स्वच्छ भारत और तंबाकू के उपयोग के बारे में जागरूकता का आयोजन किया। उनकी अनुकरणीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी प्रिंसिपल डॉक्टर ललिता रावत और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा। डॉक्टर सी पी बेबी शिबा, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, केरल। डॉक्टर सी पी बेबी शिबा की एनएसएस इकाई ने गरीबों के घर निर्माण, शिक्षा के लिए वित्तीय मदद और वृद्धों की सेवा जैसे आयोजन किए हैं। उनकी प्रशंसनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी प्रिंसिपल डॉक्टर एस जयश्री और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सी पी बेबी शिबा।
डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्रा, एमपीसी स्वायत्त शासी महाविद्यालय ओडिशा। डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्रा की एनएसएस गाई ने आदिवासी लड़कियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, युवाओं के लिए सड़क सुरक्षा तथा स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी प्रिंसिपल डॉक्टर झरना बेहड़ा और कार्यक्रम अधिकारी श्री कैलाश चंद्र मिश्रा। एनएसएस स्वयंसेवक पुरस्कार 2017-18 श्री सिमरदीप सिंह स्याल छत्तीसगढ़। श्री सिमरदीप सिंह स्याल ने निर्धनों को चिकित्सा तथा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की और रक्तदान में योगदान दिया। उनकी असाधारण सेवा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सिमरदीप सिंह स्याल छत्तीसगढ़। सुश्री प्रियंका बिस्सा छत्तीसगढ़। सुश्री प्रियंका बिस्सा ने महिला शिक्षा, स्वच्छता, वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रियंका बिस्सा छत्तीसगढ़। गोकुल प्रशांत तमिलनाडु। श्री ई गोकुल प्रशांत ने मोतियाबिंद ऑपरेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण, बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि जुटाई है। उनकी अनुकरणीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री ई गोकुल प्रशांत तमिलनाडु। श्री नीरज शर्मा हिमाचल प्रदेश। श्री नीरज शर्मा ने स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया है। उनकी असाधारण सेवाओं के लिए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नीरज शर्मा हिमाचल प्रदेश। श्री रवि कुमार झारखंड। श्री रवि कुमार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन, प्लास्टिक पाबंदी, शौचालय निर्माण, पल्स पोलियो, कैशलेस इंडिया से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उनकी इन सेवाओं को देखते हुए वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री रवि कुमार झारखंड। सुश्री मैंथरी सौजन्य तेलंगाना।
सुश्री मैंत्री सौजन्य ने वर्षा जल संचयन, बाढ़ राहत, वृद्धाश्रम, अनाथा के लिए वित्तीय सहायता, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्हें वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मैंत्री सौजन्य तेलंगाना। श्री हरिकृष्ण वी ने वर्षा जल संचयन, सड़क निर्माण, बाढ़ राहत, वृक्षारोपण, पल्स पोलियो जैसे अभियानों में हिस्सा लिया। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री हरिकृष्ण वी तेलंगाना। कुमारी अनीशा ने निशुल्क कोचिंग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कुमारी अनीशा, बिहार। श्री चरण सिंह, हरियाणा। श्री चरण सिंह ने निशुल्क कोचिंग, बाढ़ राहत, सड़क सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, वृक्षारोपण, पल्स पोलियो अभियान में भागीदारी की है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री चरण सिंह, हरियाणा। श्री शिव शंकर चौधरी, त्रिपुरा। श्री शिव शंकर चौधरी ने कानूनी चेतना जगाने, रक्तदान, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य शिविरों तथा शौच मुक्ति की दिशा में कार्य किया है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शिव शंकर चौधरी, त्रिपुरा। प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश। श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, रक्तदान और वृक्षारोपण में सक्रिय भागीदारी की। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश। श्री श्रेयस चंद्रसेन बंदोटकर, गोवा। श्री श्रेयस चंद्रसेन बंदोटकर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लघु फिल्म निर्माण, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक पाबंदी तथा रक्तदान जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री श्रेयस चंद्रसेन बंदोटकर, गोवा। सुश्री प्रिया आर्य, उत्तर प्रदेश। सुश्री प्रिया आर्य ने निशुल्क कोचिंग, शौच मुक्ति, टीकाकरण, सड़क सुरक्षा, जल संचयन तथा आत्मरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रिया आर्य, उत्तर प्रदेश।
राजेंद्र कुमार साव झारखंड। श्री राजेंद्र कुमार साव ने निःशुल्क कोचिंग, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, सफाई अभियान तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री राजेंद्र कुमार साव झारखंड। श्री दाइखो डोमिनिक शिनाचे मणिपुर। श्री दाइखो डोमिनिक शिनाचे शौचालय निर्माण, बस वेटिंग शेड निर्माण, साक्षरता, रक्तदान, वृक्षारोपण अभियानों में शामिल थे। वर्ष 2017-18 के लिए इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री दाइखो डोमिनिक शिनाचे मणिपुर। सुश्री उमा कृष्णावत राजस्थान। सुश्री उमा कृष्णावत ने वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा, स्वच्छ भारत, चुनाव जागरूकता तथा शौचालय निर्माण के श्रमदान में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री उमा कृष्णावत राजस्थान। सुश्री निवेदा एसटी तमिलनाडु। सुश्री निवेदा एसटी ने शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, बाल मजदूरी, आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री निवेदा एसटी तमिलनाडु। श्री हर्षल रमेश भाई पांचाल गुजरात। श्री हर्षल रमेश भाई पांचाल ने बाढ़ राहत शिविर, महिला सशक्तिकरण, स्टेम सेल डोनेशन, सड़क सुरक्षा, मतदाता जागरूकता और स्वच्छ भारत अभियानों में हिस्सा लिया है। वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री हर्षल रमेश भाई पांचाल गुजरात। सुश्री तमन्ना यदुवंशी राजस्थान। सुश्री तमन्ना यदुवंशी ने प्लास्टिक मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता फैलाई है। वर्ष 2017-18 के लिए इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री तमन्ना यदुवंशी राजस्थान। सुश्री सलोनी उन्मेष परिख गुजरात। सुश्री सलोनी परिख ने सैनिक कल्याणार्थ धन जुटाने, स्टेम सेल दान, कैशलेस ट्रांजैक्शन की प्रेरणा, जलवायु परिवर्तन की जागरूकता तथा शौचालय निर्माण में सहयोग दिया है। वर्ष 2017-18 के लिए इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सलोनी उन्मेष परिख गुजरात।
శ్రీ బండూల మహేంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. శ్రీ బండూలా మహేంద్రనాథ్ నే సాక్షరత, పర్యావరణ, రక్తదాన, వృక్షారోపణ, బాల శ్రమ రోకనే తథా ఆపదా ప్రబంధన సే సంబంధిత కార్యక్రమో మే అప్నా యోగదాన్ దియా హై. వర్ష 2017-18 కే లియే ఇన్హే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. శ్రీ బండూలా మహేంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. శ్రీ రాహుల్ చండీగఢ్. శ్రీ రాహుల్ నే వృక్షారోపణ, పర్యావరణ, స్వాస్థ్య శిబిరం, ప్లాస్టిక్ ముక్తి తథా అంగదాన కర్నే కి ప్రేరణా దేనే మే అప్నా భర్పూర్ యోగదాన్ దియా హై. వర్ష 2017-18 కే లియే ఇన్హే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. శ్రీ రాహుల్ చండీగఢ్. సుశ్రీ విజయంతి చండీగఢ్. సుశ్రీ విజయంతి నే క్యాష్లెస్ ట్రాన్జాక్షన్, డిజిటల్ ఇండియా, మతదాన జాగరూకత, స్వాస్థ్య శిబిరం, టీకాకరణ అభియాన్ మే సక్రియ భూమికా నిభాయి హై. వర్ష 2017-18 కే లియే ఇన్హే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. సుశ్రీ విజయంతి చండీగఢ్. సుశ్రీ కోటి కళాకుడి జగదీశ్వరి ఆంధ్రప్రదేశ్. సుశ్రీ కోటి కళాకుడి జగదీశ్వరి నే నిశుల్క్ హిందీ కోచింగ్, పర్యావరణ, స్వాస్థ్య, వృక్షారోపణ, రక్తదాన, సాక్షరతా అభియాన్ మే అప్నీ నిస్వార్థ సేవాయే ప్రదాన్ కీ హై. వర్ష 2017-18 కే లియే ఇన్హే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. సుశ్రీ కోటి కళాకుడి జగదీశ్వరి ఆంధ్రప్రదేశ్. శ్రీ సురాగ్ర శ్రీధర్ కామత్ గోవా. శ్రీ సురాగ్ర శ్రీధర్ కామత్ ని ఈ కచరా ఏకత్రీకరణ ఆయోజన, వృక్షారోపణ, శరాబ్ బందీ, రక్తదాన తథా సడక్ సురక్ష అభియానో మే సక్రియ యోగదాన్ దియా హై. వర్ష 2017-18 కే లియే ఇన్హే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. శ్రీ సురాగ్ర శ్రీధర్ కామత్ గోవా. శ్రీ రోహిత్ కుమార్ హర్యానా. శ్రీ రోహిత్ కుమార్ నే వృద్ధాశ్రమ తథా ఝుగ్గీ ఝోపడియో మే సేవాయే ప్రదాన్ కీ హై. ఎయిడ్స్ జాగరూకత, సడక్ సురక్ష తథా మధుమక్ఖి పాలన్ కో ఇన్హోనే ప్రోత్సాహిత కియా హై. ఇన్హే వర్ష 2017-18 కే లియే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. శ్రీ రోహిత్ కుమార్ హర్యానా. శ్రీ జ్యోతిష్మాన్ మురన్, అసమ్. శ్రీ జ్యోతిష్మాన్ మురన్ ని రాహత్ శిబిరం, ఆపదా ప్రబంధన గతివిధి, వృక్షారోపణ, రక్తదాన, నశాముక్తి తథా వన్యజీవన్ సంరక్షణ మే హిస్సా లియా హై. ఇన్హే వర్ష 2017-18 కే లియే రాష్ట్రీయ సేవా యోజనా పురస్కార సే సమ్మానిత కియా జాతా హై. శ్రీ జ్యోతిష్మాన్ మురన్, అసమ్. శ్రీ
सचिन दिगंबर ढोले महाराष्ट्र, श्री सचिन दिगंबर ढोले ने शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर में उत्सुकता से हिस्सा लिया है। इन्हें वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सचिन दिगंबर ढोले महाराष्ट्र। सुश्री गामी बोगो अरुणाचल प्रदेश, सुश्री गामी बोगो ने पर्यावरण, वृक्षारोपण, आत्मरक्षा, एड्स, नशा मुक्ति तथा स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया है। इन्हें वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री गामी बोगो अरुणाचल प्रदेश।